सिंधी समाज का पावन चालीहा महोत्सव चल रहा है और 8 अगस्त को 24वां दिन था और आज के दिन समाज सेवी नितिन कालरा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो राजधानी दिल्ली के अशोक विहार श्री झूलेलाल मंदिर में हुआ। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक अनिल हंसलिया भैया, संत दाता लक्ष्मण चिलराम, भाजपा दिल्ली प्रदेश के मंत्री हरीश खुराना, पूर्व प्रवक्ता खेमचंद शर्मा, सिंधी प्रकोष्ठ भाजपा के संयोजक भारत वाटवानी, प्रगतिशील सिंधी समाज के अध्यक्ष विजय असरानी, मीडिया जगत से महेश छाबरिया, समाज सेवी कामना रमानी आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर कार्यक्रम के सभी भक्तों का स्वागत समारोह में रखा गया जिसके प्रमुख कालरा परिवार ममता कालरा एवं सुनीता कालरा का स्वागत मंदिर के अध्यक्ष दादा लक्ष्मी चंद मकरानी, उपाध्यक्ष मनु बलचंदानी एवं महामंत्री चंदर बलवानी ने किया। मैं 22 साल से इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है जब चालिया आता है, बहुत श्रद्धा से सेवा का मौका मिलता है वो निभाते हैं हम, और मेरी बेटी का जन्म चालिए में ही हुआ और आज वो 13 साल की हो गई है, उसका हम बर्थडे 13 साल से इसी मंदिर में बड़े धूमधाम से बनाते हुए आए हैं और आगे भी भगवान के आशीर्वाद से अगर हुआ तो आगे भी उसका हम जन्मदिन ऐसे ही धूमधाम से यहीं बनाते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, सब धर्म के आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर अच्छे से चालिया प्रोग्राम होता है और शोभा यात्रा 25 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है जो बहुत ही किसी शादी महोत्सव से कम नहीं होती, बहुत अच्छे स्केल में और अच्छी ही निकलती है। झूलेलाल जी के असीम कृपा से आज मैं उनका गुणगान करने का मुझे मौका मिला, इसलिए सर्वप्रथम झूलेलाल जी को शत शत नमन। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं। मैं भी पंजाबी हूँ, पंजाबी होते हुए भी मुझे इस मंदिर में बहुत इज्जत मान सम्मान मिला है और यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम 40 दिन का, शायद किसी भी क्षेत्र में 40 दिन लगातार भंडारा खिलाना जिसमें शाही पकवान और गरीब हर श्रेणी के लोग खाते हैं वो शायद कहीं भी नहीं है। माता रानी की कृपा, नवरात्रि भी जो होते हैं वो भी 9 दिन तक ही मनाए जाते हैं या 30 दिन तक वाले भी त्यौहार होते हैं। ये एक ऐसा सिंधी समाज में एक ऐसा फेस्टिवल है जो 40 दिन तक बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें ना केवल ज्योत विसर्जन का प्रोग्राम है बल्कि उसके साथ साथ जितने भी मेहमान आते हैं उन सब का पाखड़ देकर, फलों के द्वारा, मिठाई के डब्बे देकर स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ इस चालिए का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें हर जन्मदिन, चाहे वो बच्चे का हो चाहे एक बड़े का हो, हर शादी की सालगिरह बहुत ही धूमधाम के साथ बिना भेदभाव के मनाई जाती है। आज का कार्यक्रम ये है, हमारे यहाँ पर 16 जुलाई से 25 अगस्त 40 दिन झूलेलाल जी के निर्मित पूरे 40 दिन भंडारा, पूजा, आरती सब होता है और आज 23वां दिन है। 23वें दिन में आज यहाँ पर दादा लक्ष्मण दास जी चेलाराम दरबार से पूसा रोड से वो इनवाइटेड है। रोज़ भंडारा होता है, कीर्तन होता है, सब बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपना प्रोग्राम चलता है तो सब आते हैं यहाँ पे और लीला जी का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत एक त्यौहार की तरह इसको मनाया जाता है। अगर आस्था की बात की जाए तो कार्यक्रम 40 दिन का आप लोग रखते हैं तो आस्था किस तरीके से भगवान के प्रति लोगों में देखने को मिलती है? बहुत आस्था देखने को मिलती है, रोज़ लोग आते हैं, रोज़ चालिया करते हैं यहाँ पे आके, रोज़ गुणगान गाते हैं प्रभु का, तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं? देखा जाए तो 500 से 300 के बीच में पहुँच जाते हैं श्रद्धालु। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।